नमस्कार मैं प्रिय अभी आप देख रहे हैं हमारा देश हमारी जिम्मेदारी शो लाइकर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से और हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं गायक और अभिनेता प्रदीप यादव जी तो सबसे पहले आपका स्वागत है प्रदीप जी और पहला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कला के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपने क्या क्या कार्य किए हैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय जी आपको और आपके चैनल लाइकर सीरीज को बहुत बढ़िया बात आपने कहा कि आप कला के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हाँ बिल्कुल मैं कला के क्षेत्र तो तो में कार्य कर रहा हूँ बिकॉज मैं जानता हूँ कि कला से ही किसी भी देश के सभ्यता और संस्कृति की पहचान होती है कला ही जो होता है ना वो आ, किसी भी सभ्यता और संस्कृति की आत्मा होती है आ, मेरी एक पुस्तक भी आने वाली है माटी की थाती नाम से आप एक गायक है और गायक होने के नाते आपके काफी सारे गीत मार्केट में लोग पसंद कर रहे हैं तो हमारे श्रोताओं को आप एक अच्छे गीत सुनाइए जो आपका फेवरेट हो हाँ, बिल्कुल सही कहा बहुत अच्छा मैं गाना आप सुनाने जा रहा हूँ नदिया किनारे गोरी हो नदिया किनारे गोरी ठा बिंदिया ले गई मछरिया ले गिल मछरिया बिंदिया ले गिल मछरिया बिंदिया ले गिल मछरिया नदिया किनारे गोरी हो, बिंदिया ले गैल मछरिया ऐसे ही गाना मैं गाता हूँ बहुत अच्छा गीत आपने जो सुनाया कहाँ से प्रेरणा मिलती है आप कहाँ से जज्बा मिलता है कि आप एक गाना गाते हैं आप एक फिल्म में काम किए हैं अलग अलग क्षेत्र में आप लगातार कार्य कर रहे हैं जी आ, मुझे प्रेरणा मिलती है भिखारी ठाकुर जी से जो कि भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं और भोजपुरी को इस लेवल तक पहुंचाने में इतना प्रचारित प्रसारित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है तो उन्हीं से प्रेरणा मिली मुझे और इसके लिए मैं कार्य करता हूँ जाता हमारा देश हमारी जिम्मेदारी शो के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं तो हमारा एक सवाल रहता है हर एक कॉन्सटेंस जो हमारे शो के माध्यम से जुड़ते हैं कि आप खुद को इस देश के प्रति कितना जिम्मेदार मानते हैं क्योंकि आप एक कला के क्षेत्र से जुड़े आप एक आर्टिस्ट हैं जी बहुत अच्छा सवाल किया प्रियस जी आपने ठीक है हम लोग कला के माध्यम से देशभक्ति और जुनून पैदा करते हैं युवाओं में ठीक है हम लोग अपने कविता के माध्यम से गाने के माध्यम से उनमें जोश भरते हैं उन्हें मोटिवेट करते हैं जी आप कला के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में तो देखिए जहाँ तक अभी का जो बात है ना अभी सपोर्ट करने वाले लोग नहीं है इंडस्ट्री में आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है पहले टैलेंट को दूर से पकड़ पकड़ के लिया जाता था रोड पे से उठा लिया जाता था ठीक है लेकिन आज आपके पास टैलेंट है तो अब आपको खुद मेहनत करके उस टैलेंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको कोई बढ़ाने वाला नहीं मिलेगा हम अपने बल पे, अपने दम पे यहाँ तक स्टैंड किए हैं खुद को लाने में मेरे को बहुत हाँ कुछ दोस्त साथी हैं जो हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कुछ बड़े भाई लोग हैं जिनका हमेशा प्यार मिलता है मोटिवेशन मिलती रहती है तो काम करते हैं इंडस्ट्री के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं इंडस्ट्री के लोग केवल ये करेंगे जिनसे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है मतलब सीनियर लोग वो लोग इंडस्ट्री में सिर्फ अश्लीलता फैलाना जानते हैं पॉलिटिक्स जानते हैं